नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब हम गंगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा अपनी आरंभ कर रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं। ये नज़ारा, मौसम बहुत खुशनुमा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। और इस समय हम जो मैं फील हो रहा है वो हो रहा है कुदरत की गोद में हम हैं। नेचुरल ब्यूटी, हरियाली, झरना, पहाड़, वाह बहुत खूबसूरत जगह है ये। ये हमारे दोस्त ये रीट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पानी की झरने की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये झरना बह रहा है ऊपर पहाड़ से, और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है। और ये हमारे दोस्त ये भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, और इधर सांस फूल रही है। खुला रास्ता है, आप देख सकते हैं खुला रास्ता है। वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है। हम करीब 1.5 किलोमीटर चढ़ाए हैं और लंबी ऊंची चढ़ाई है। सांस फूल रही है। आप पीछे जो है बैकग्राउंड में देखते हैं कितना बढ़िया झरना है, बहुत अच्छा झरना बह रहा है। इसको निहारने का एकदम मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है यही खड़ा रहूं। और मेरे दोस्त भी है, वो भी इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। और बाकी में बहुत अद्भुत देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। आप रास्ते देखिए कितना खड़ा रास्ता है, रास्ता दिखाइए कितना खड़ा रास्ता है, और आगे भी इससे ज़्यादा खड़ा रास्ता मिलने की उम्मीद है। हम लोग थक चुके हैं, तो हमने दोस्तों ने डिसाइड किया है थोड़ा सा रुक के आराम कर लिया जाए और कुदरत का जो नज़ारा है उसको अपनी आँखों में निखारा जाए। अब हम करीब 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये खड़ा खड़ी चढ़ाई है। सांस फूल रही है, और आराम आराम से चल रहे हैं। बाकी का प्राकृतिक की गोद में आए, आनंद आ रहा है, मज़े आ रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, ये भी अभी बैठे हैं। थोड़ा सा बरसात भी हो रही है, इसलिए मेरे दोस्त ने और मैंने रेनकोट भी पहना हुआ है। आपको भैया कैसा लग रहा है? यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, पर आनंद है, व्यू अच्छा है यहाँ का, कुछ भी कहो। आप क्या कहना चाहेंगे? खड़ी चढ़ाई है घाघरिया से हेमकुंड की, पहले ऐसी थी लेकिन अब रास्ते पतले भी होते जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, रुक रुक के चल रहे हैं, उसको रास्ते बीच में टूट भी रहे हैं। बस पहुंच रहे हैं अभी, हमने 1.5 किलोमीटर करीब नहीं 3 किलोमीटर हो गया, लगभग 3 किलोमीटर हो गया, पता नहीं चल रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कितना हो गया है। बस चले जा रहे हैं, अभी चले जा रहे हैं, इंतजार है। एक हमारे दोस्त हैं, वो तो रॉकेट की स्पीड से निकल गए आगे, अब उनको मैं आगे ढूंढना है, कहाँ मिलेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। मौसम यहाँ बहुत खुशनुमा है, बादल नीचे आ गए हैं, आप देख सकते हैं, देखो कोहरा है या बादल है ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ बहुत खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, हाफनी, यहाँ पर बहुत कठिन खड़ी चढ़ाई है। जैसे देख सकते हैं ये मेरे दोस्त हैं जो कि कितना ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, दुर्गम रास्ते हैं। यह मौसम ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो हमने खच्चर कर लिया है। आप देख रहे हैं यह पानी पड़ रहा बहुत तेज, यहाँ बहुत तेज पानी पड़ रहा है, और हमने और हमारे दोस्तों ने खच्चर करने का फैसला किया है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ही
पीछे पूरी जैकेट रेनकोट तक गीला होता है। आप देख सक रहे हैं प्राकृतिक के नज़ारे, दिल गार्डन गार्डन, ऐसा अद्भुत नज़ारा आज तक कभी नहीं देखा, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। आप देख रहे हैं कुदरत ने भी हमको कितनी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। देखो पर हमारा खच्चर से चलने का मन तो नहीं था, मौसम खराब होने के वजह से हमें खच्चर। हेलो सत्यकाल, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर हम बात करें तो फ्लावर ऑफ वैली, तो यहाँ भी फ्लावर ऑफ वैली जैसा ही सीन नज़र आएगा। आप देखेंगे तो जैसे ये देख रहे हो आप, ये फ्लावर ऑफ वैली जैसा ही सीन नज़र आएगा। और सर कैसा लगा आपको ऊपर? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। आप देखो सामने एक ग्लेशियर है, बर्फ, और उसमें पानी बह के आ रहा है। ये झरना देखो आप, इतना ये अद्भुत नज़ारा है। ये सामने आप देखेंगे बर्फ का नज़ारा देखेंगे हम। ये फ्लावर ऑफ वैली जैसा नज़ारा, वाकई में ऐसा लग रहे हैं कहीं हम जन्नत में आ गए हों। सुरग सुरग लोक, आप देखो सामने बर्फ, ऐसा लग रहा है कहीं जन्नत में आ गए हैं। ये बर्फ का नज़ारा, और कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आप देख रहे हैं पानी कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं झरना, और ऊपर का भी झरना देखेंगे फ्लावर वैली जैसा। अब हम बात करेंगे इस झरने की, और एक ये छोटा सा पुल जा रहा है, एक ये देखो कितना अच्छा झरना है, देखो वाओ। कुछ ही कदम दूर इस पे लिखा है सकरी सीढ़ियां फिसला व खतरा रास्ता। अभी हम देख रहे हैं करीब 1 किलोमीटर करीब और रह गया है, खूबसूरत नज़ारा है। अब फाइनली हम हेमकुंड साहिब पहुंच गए। यहाँ हम पहुंच गए, अब देखते हैं यहाँ आगे क्या है। ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, अभी देखते हैं यहाँ कुंड कौन सा है, लेक तो जगह जाएंगे। आप देख रहे हैं दर्शन कर लिए हैं, और हम बाहर आए हैं, और बाहर निकलते ही इतना खूबसूरत ये झील है, लेक आप देखेंगे एकदम ग्रीन कलर है इसका, और सामने देखो झरना बह रहा है। ये पूरा लकड़ी का फ्लोर बना हुआ है, और हमें यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, और फिर वापस हमें घंघरिया वापस जाना है। पर वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये। आप
अब हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब और हमने दर्शन भी कर चुके हैं और अब दर्शन करके जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये लेक है, इस समय फॉग इतना है कि ये लेक दिखाई नहीं दे रही है, आप देख सकते हैं कैमरे में, लेकिन हो सकता है कैमरे में दिखाई ना दे। और ये झरना है, एकदम मौसम ख़राब हो गया है यहाँ पे, कभी पानी कभी धूप कभी बरसात कभी मौसम मिक्स हो जाता है। अभी इस समय फॉग बहुत करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ऊपर वाले से दुआ करूँगा फिर दोबारा मेरे को इधर आए, कोई कैंप नहीं है तो अब वापस हमें हर हाल में लंगरिया वापस जाना पड़ेगा। और हमने कच्चर वाले से भी बात की हुई है, जिस कच्चर से आए हैं उसी कच्चर से हमने बात की है, वही वापस हमको लेके जाएगा और यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे 3 बजे या 4 बजे तक रुक सकते हैं या 5 बजे तक, फिर उसके बाद हमको वापस हर हाल में गंगरिया वापस जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ का मौसम कब बदल जाए कब अच्छा हो जाए कब धूप निकल आए कोई पता नहीं है। तो हमको आज हर हाल में यहाँ पे अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करना है ये पूरा एरिया और उसके बाद में हमको वापस गंगरिया वापस जाना है। ये हमारे ग्रुप के हैं अंश और ये पीयूष और ये शोभित। अंश आप बताएंगे, आपने गंगरिया से यहाँ तक का ट्रैक जो किया आपको कैसा लगा, आपका जो ट्रैक का जो अनुभव है वो आपको कैसा लगा, आप अपने कैसे बयान करेंगे? गंगरिया से जो हमने ट्रैक किया था तो वो था यहाँ से वहाँ से 6 या 6.5 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 7 मान लीजिए, तो 3-3.5 किलोमीटर तो हम चढ़ लिए थे। उसके बाद में फिर बादल वो तो हुए, बारिश पड़ने लगी, हम थक भी बहुत गए थे तो हमने घोड़े खच्चर कर लिए। उनसे बहुत डर लगा क्योंकि ऊपर बर्फ भी थी, वो एकदम पहाड़ों के साइड में भी चल रहे थे, लेकिन फिर ओवरऑल ऊपर आ गए और यहाँ पे व्यू नहीं देख पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बादल और ओस जो भी कह लो सब चीज़ है। अगर हम गर्मियों में आते तो फिर और अच्छा व्यू हो सकता था, बट ओवरऑल मज़ा आया। अच्छा पीयूष, बाकी आप सब ने तो देख ही लिया जो मेरे दोस्तों ने कहा, आप यहाँ पे रील देख के ना आइए, अपने दम पे आइए और अपने रिक्शे पे आइए, जितना आप सह सको, किसी के कहने पे मत आइए, यहाँ पे अपने बलबूते और उस पे आइए। सत श्री अकाल। अब हम यहाँ लंगर का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर लंगर में चाय और खिचड़ी का नाश्ता मिल रहा है और खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप देख रहे हैं लंगर खाने के बाद अब हमने यहाँ मंदिर पे आए, बाहर निकले हैं गुरुद्वारे के बाहर। ये देख रहे हैं ये एक लेक है और मौसम इतना ख़राब हो गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना मौसम ख़राब हो गया है यहाँ पे। अब हम हेमकुंड साहिब से वापस जाने जा रहे हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा, फिर पानी बंद होने आएगा फिर हम वापस गंगरिया वापस जाएंगे, लेकिन हमें हर हाल में गंगरिया वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्टे करने का कोई ऑप्शन नहीं है।